नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर कराना है या फिर अपना मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है। इसके लिए आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI पर विजिट करना है। जैसे ही आप विजिट करेंगे, यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश मैं पढ़ और समझ सकता हूँ, तो मैंने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है और ये अब आगे बढ़ेगा यह पेज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप दो तरीके से आप अपने आधार के अंदर कोई भी अपडेट करा सकते हैं। एक तो आप इनरोलमेंट सेंटर पर डायरेक्टली जा करके, और दूसरा पहले से ही अपॉइंटमेंट फिक्स करा के आप वहां पर जा सकते हैं और जो भी आपको अपडेट कराना है वो आप करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करा रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मैं ये पता करूंगा कि आधार सेंटर, जो एक वेरीफाइड एक सेंटर होता है जहां पर कि एक अथॉरिटी होती है उसके पास, कि आधार के अंदर कोई भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी डिटेल आपकी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए वो ऑथराइज सेंटर होता है, आप ऑथराइज सेंटर पर ही जाएं और ये ऑथराइज सेंटर से ही ये सारे अपडेट्स होते हैं। तो ये एड्रेस कहाँ पर है या आपके एरिया में ये कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें, ये डिटेल लेने के लिए आपको एक ऑप्शन है, माय आधार के ऑप्शन में जाएंगे, लोकेट एंड एनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेट का एक ऑप्शन है, मैं स्टेट मैंने सिलेक्ट किया। दोस्तों, आप चाहे तो अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पिन कोड का एक ऑप्शन है, आप पिन कोड डालेंगे, अगर उस पिन कोड के ऊपर कोई भी इनरोलमेंट सेंटर होगा तो उसका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बिहार का एड्रेस सिलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया। आप अपने अनुसार जहां पर भी आप रहते हैं वो कर सकते हैं सिलेक्ट, और यहाँ पर शो ओनली परमानेंट सेंटर्स, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे जो भी दिखेगा वो परमानेंट सेंटर ही दिखेगा, राइट। अब यहाँ पे कैप्चा फिल करना है मुझे। दोस्तों, मैंने परमानेंट सेंटर का सिलेक्शन इसलिए किया यहाँ पर क्योंकि कुछ टेम्परेरी सेंटर्स भी होते हैं, वो कभी ओपन और बंद होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो वहां पर आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो यहाँ पर लोकेट अ सेंटर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनरोलमेंट सेंटर फाउंड। अब यहाँ पर आप कंप्लीट एड्रेस देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर आप इनमें से जो भी एड्रेस आपका नजदीक है आप वहां पर जा करके अपने आधार के अंदर कोई भी अपडेट करा सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आपका कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने की जरूरत है, जैसे कि आपके पास अगर पुराना आधार कार्ड है तो वो लेकर जा सकते हैं, साथ के साथ आप एक पासपोर्ट साइज फोटो जरूर कैरी करें, तो ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। दोस्तों, ये तो एक तरीका था कि आप डायरेक्टली इनरोलमेंट सेंटर पर विजिट करें और वहां पर जाकर आप अपने आधार के अंदर अपडेट कराएं। दूसरा तरीका है, आप पहले से ही अपॉइंटमेंट वहां पर लेकर जाएं, जैसे ही आप अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप दिखाएंगे उनको पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन से करेक्शन के लिए या कौन कौन से अपडेट के लिए टिक किया है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देंगे, बस आपको वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना है। तो देखते हैं दोस्तों वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको माय आधार के ऑप्शन में ही बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको लोकेशन मांगेगा कि कौन से लोकेशन के अंदर आप हैं और कहाँ पर आप अपडेट जाकर कराना चाहते हैं। जैसे मैं एक मान लेता हूँ उदाहरण के लिए, दिल्ली में एक एड्रेस है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, जो मुझे पता है, नहीं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पटना के अंदर देखना चाहूँ तो पटना के अंदर भी यहाँ पर एक मेन यहाँ पर ऑथराइज सेंटर है, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यानी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जहां पर भी आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस लोकेशन को। मैं दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और आगे बढ़ा। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, आप यहाँ पर अपना वर्किंग मोबाइल नंबर डालें
और यहाँ पर कैप्चा आप डालें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। यहाँ पर मेरे पास एक ओटीपी आएगा। मेरे पास ओटीपी आ चुका है, अब मैं यहाँ पर ओटीपी डाल रहा हूँ। वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन है, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है आप अपना आधार नंबर डालें। मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ और मेरे आधार के ऊपर क्या नाम है वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है। एक तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है और दूसरा आ रहा है HOF का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास अगर आपके नाम से कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाह रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट के तौर पे यहाँ पर आप कह सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर जो है वर्किंग मोबाइल नंबर वही है, राइट। तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, HOF उस कंडीशन में आपको सिलेक्ट करना है जहां पर नया आधार कार्ड बनाना है, तो उसमें गार्जियन का आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट देना होता है, या फिर कोई जब शादी होती है तो अगर गर्ल को अपना सरनेम चेंज कराना है तो अपने हस्बैंड का आधार कार्ड और एक मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, तो उस कंडीशन में आपको HOF सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपको बस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। स्टेट के अंदर आप यहाँ पर मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सिटी के अंदर न्यू दिल्ली, और यहाँ पर अक्षरधाम में सेलेक्ट कर रहा हूँ और आगे बढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर आ गया, देखिए कि इतने सारे फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक के अंदर फोटोज, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीजें आप अपडेट करा सकते हैं। तो जैसे कि अब दोस्तों मैं मुझे यहाँ पर अपना न्यू मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, राइट। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी मैंने मोबाइल नंबर डाला आ चुका है। अगर एडिट करना चाहता हूँ मैं तो यहाँ पर एडिट भी कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की फीस भी है यहाँ पर। अगर मोबाइल नंबर आप अपडेट कराना चाह रहे हैं तो आपको 100 रुपीज का, सॉरी बायोमेट्रिक पे भी क्लिक हो गया था इस वजह से 100 रुपीज दिखा रहा था, यहाँ पर आप 50 रुपए का एक फीस है जो आपको पे करना है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास डेट सेलेक्ट करने के लिए आया कि आज की डेट में अक्षरधाम जो हमारा इनरोलमेंट सेंटर है वहां पर कौन कौन सा स्लॉट खाली है, जैसे कि 10:30 से 10:50 के बीच का है ना, जो भी आप यहाँ पर स्लॉट देख रहे हैं ग्रीन कलर में जहां पर भी मेरा कर्सर जा रहा है, वो सारे स्लॉट अभी ओपन हैं, खाली हैं, वहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो ये रेड देख रहे हैं आप, ये स्लॉट बुक्ड है, राइट। तो मैं कोई भी स्लॉट बुक कर रहा हूँ, जैसे आज मैं 2:50 का स्लॉट बुक कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पर पूरा देखिए डेट के साथ टाइम आ गया कि मैंने कौन सा स्लॉट बुक किया है। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक्नॉलेजमेंट आ गई है, अपडेट कराना है अक्षरधाम जो एक आधार सेवा केंद्र है वहां पर, डॉक्यूमेंट बेस्ड है, टाइम स्लॉट आ गया मेरा, एप्लीकेशन की डेट आ गई, मेरा नाम, मोबाइल नंबर और जिसपे ओटीपी आया है वो वाला मोबाइल नंबर, दोनों ही आ चुका है, बल्कि एक ही है ये दोनों, तो एक ही मोबाइल नंबर आया है। अब यहां पर आपको एक 50 रुपए की पेमेंट फेल करनी है, या 50 रुपए की पेमेंट आपको करनी है, आपको एक रिसिप्ट आ जाएगा, और रिसिप्ट आने के बाद यहाँ पर मैं देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जैसे मैं यूपीआई से यहाँ पर पेमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक किया। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल डालेंगे पेमेंट गेटवे का, यूपीआई से कर रहे हैं तो आप अपना यूपीआई नंबर डालेंगे और आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाएगी कि आपने पेमेंट भी कर दी है, वो भी आप साथ में कैरी कर लीजिएगा। और जो मैंने अभी यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट किया, जैसे अक्षरधाम का मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया, जो भी आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे या जो भी आप आधार सेंटर के लिए जो ऑथराइज्ड सिलेक्शन है वो आप करेंगे, वहां पर आपको जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाना है, जैसे आपको बुकिंग रिसिप्ट दिखानी है, राइट, इसके अंदर पेमेंट रिसिप्ट दिखानी है, वो सारी चीजें वेरीफाई करके आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी रिक्वायर्ड अपडेट होगा, जिसके लिए भी आपने रिक्वेस्ट किया है, वो अपडेट कर देंगे। दोस्तों
दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपडेट होने में 5 से 7 दिन का समय लगता है और कई बार इससे पहले भी हो जाता है अपडेट। तो 5 से 7 दिन का आप वेट करें, आपको वो एक ट्रैकिंग नंबर भी देंगे, आपके उस रिसिप्ट पर लिखा होगा। उस डिटेल से आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अभी तक अपडेट हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज जाना कि आप कैसे आधार कार्ड के माध्यम से या आप एक इनरोलमेंट सेंटर के माध्यम से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी चीजें आप अपडेट करा सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप इस जानकारी के माध्यम से जो भी रिक्वायर्ड डिटेल आपको अपडेट करानी है वो आप करा पाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय गैलवे, जय भारत।